ये सिख भगत भी हैं दोस्तों। और अभी और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा देखेंगे आप, श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल मंदिर का, श्री लक्ष्मण भगवान जी के चरणों के निशान, ये देख कितना बड़ा। अगर मैं इसमें लेट जाऊँ ना तो मतलब आधा शरीर कवर हो जाएगा, आधे से ज़्यादा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत प्रणाम है श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर से। मॉर्निंग का टाइम हो रहा 8 बजे हैं और अभी धूप आई नहीं है, मौसम तो क्लियर है। मौसम आप देखोगे, मौसम तो क्लियर है, नीला आसमान है और संगतें आना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देख स्नान भी ले रहे हैं तो कुछ ऐसा है। बाकी यार आज अपने भी हम भी स्नान ले लेते हैं, सोमवार के दिन तो लेना ही होता है और जल भी चढ़ाना है शिवालय पे, तो इसलिए फटाफट स्नान कर लेते हैं तब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कर दें। तो दोस्तों, हमारे गौरी भाई अभी यहाँ पे स्नान करेंगे और अभी सूज वगैरह और कपड़े वगैरह उतार रहे हैं, ठंडा पानी में नहाएगा। हाँ, और ठंडा पानी है, हम तो सुबह नहा गए, हम तो गर्म पानी से नहाए और यहाँ पे डुबकी लगाएंगे। आप देखो और ये शिव भगत भी हैं दोस्तों। और अभी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जंजीर नहीं है भैया, ओम नमः शिवाय। तो चलिए भैया लगाए डुबकी। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे गौरी भाई ने डुबकी भी लगा दी है। आज के लिए इतना ही, हर हर महादेव। परमात्मा सबसे आशीर्वाद रखे भाई। बिल्कुल मज़ा आ गया, रिफ्रेश हो जाते हैं जब भी ऐसा स्नान लेता है ठंडे पानी से। और आज किस्मत ये रही कि धूप नहीं थी, और टाइम धूप रहती है, क्यों रहती है कि नहीं, धूप आता तो ही अब आ रही है ना जब मैं नहा गया। कोई बात नहीं, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं होती, हैबिट हो जाती है तो उतना ठंडा महसूस नहीं होता है। अब कुछ हो चुका है, कपड़े पहन चुका हूँ और अब जाके भोले बाबा जी के पास जो है पानी चढ़ाएंगे। सोमवार का दिन है ना आज, तो इसलिए पानी चढ़ाना आवश्यक है। चढ़ाने के लिए जल लेंगे और अभी लोटे में जल लेके, और यहाँ पे दोस्तों लक्ष्मण मंदिर और भोले बाबा का मंदिर हो रहा सामने। और ये दोस्त लोग हैं, हम भी यहाँ पे मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए आ रखे थे, और हमारे गौरी भाई भी भोलेनाथ के बड़े से भक्त हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे गौरी भाई पानी चढ़ाते हुए एकदम से। देखिए भगवान के स्त्री विग्रह में तीन विशेषताएं, तो भाई बाबा जी से आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण भगवान से और शिव भगवान से आशीर्वाद दिया है, और सभी के लिए सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, इच्छाएं पूर्ण करे। और देखिए अभी मौसम कुछ ऐसा हो गया है, बहुत सुहावना मौसम। देखिए सरोवर भी दिख रहा है, मंदिर भी दिख रहा है, भोलेनाथ का मंदिर, और मौसम खुल रहा है, देखो अच्छा हो गया। अब जाते हैं, अब काम पे भी निकलना ज़रूरी है, क्योंकि आज बता रहे हैं कि संगतें जो मात्रा है वो ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा संगतें होती है तो काम भी हमारा ठीक ठाक होता है, नहीं तो 4-5 दिनों से ना के बराबर हमने काम किया है, जो कि कुछ नहीं है, ऐसे लग रहा है कि हम ऐसे ही बैठे हैं। बाकी चलो आशीर्वाद दे लिया भोलेनाथ जी का, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। तो वही देखिए, आजकल ग्रीनरी इतनी ज़्यादा, इतनी अच्छी खूबसूरत, चारों तरफ सरोवर भी, और संगतें आना स्टार्ट, 8:30 बज चुके हैं। देखिए आज हम गीत गा लो या दा
अब स्नान के बाद सबसे पहले दोस्तों गर्मा गर्म चाय पीते हैं ताकि शरीर ठीक रहे। चाय पी रहे हैं अभी हम। तो भाई यहाँ पे देखिए कोहरा भी आना स्टार्ट हो चुका है बहुत ज्यादा और देवेश भी आ चुका है कोहरे के साथ। कल देवेश कैसे रही घर पे? तो भाई देखते ही देखते कोहरा भी आ गया यहाँ पे देखो। आज सावन के महीने में सोमवार के दिन अपने रूपी भाई भी आए हैं पूजा करने भगवान जी के। हैं स्नान भी लेगा ना अभी? हाँ स्नान लेंगे यार अभी तो मैंने कहा कर लेगा। अच्छा और कुछ खास आज के दिन? भोले बाबा का दिन है एक दर्शन तो ही जाए अपने। अच्छा 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 अपने रूपी भाई देखो स्नान करने के बाद और झंडा लगा दिया है भाई कितना प्यारा लग रहा है श्री हनुमान जी का। क्योंकि हनुमान जी को कहा जाता है शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो आज सोमवार का दिन है तो भाई मंदिर के पास ऐसा झंडा हनुमान जी का। जय बजरंगबली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मस्त बहुत बढ़िया लग रहा। तो भाई पहली अरदास समाप्त हो चुकी है। तो वीर जी लोग तो ऐसे महाराष्ट्र नांदेड़ से आए हुए हैं मुंबई से। अच्छा तो कैसे रही है आप लोगों की यात्रा? बढ़िया रही मौसम भी बढ़िया था। हाँ। ने बहुत साथ दिया। हाँ। मौलासना का थारा सिंह दरबार से आए हैं। नहीं आपको यात्रा कैसी लगी? टफ लगी इजी लगी? इजी एकदम गुरु की मेहर से। हाँ। कोई तकलीफ नहीं आई। हाँ। बहुत मजा आया। हाँ। भाई बहुत अच्छा लगा सभी वीर जी से मिल करके। और सर तो पूछ रहे थे मेरी बिल्लिया कैसे है नाम भी पता है मतलब पूरा ब्लॉग देखते है ना। बाकी तो भाई अच्छा लगा फोटो भी क्लिक करवाई वीर जी औरों ने। और अभी जो है मत्था टेक करके और यहाँ पे दर्शन करके रवाना होंगे। आज कहाँ तक की यात्रा रहेगी फिर वापसी? आज हम केदारनाथ जाएंगे। आज केदारनाथ के लिए निकलो मतलब गोविंद घाट पहुँचोगे आप? हाँ तो मतलब मुंबई से आए हैं पूरा टाइम लेकर के पूरे उत्तराखंड के मतलब अलग अलग जगह को घूमना है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी बाबा जी भगवान जी अभी हो गया दर्शन अभी दूसरा एकदम दर्शन हेमकुंड साहब आए थे। अच्छा अच्छा तीसरा दर्शन जो है अभी केदारनाथ है। हाँ। उसके बाद चौथा दर्शन है अमृतसर जाएंगे हरमंदिर साहब फिर उसके बाद वापसी है। तो मतलब आप पूरे 10-12 दिन का प्लान लेकर बहुत ही मजा आ रहा है। और थोड़ा ऊपर आने में थोड़ी सी कठिनाई है पर गुरु कैसे भी करके ऊपर मंगा देते हैं। हाँ वही बात है। हाँ। जिसको आना होगा थोड़ी दिक्कत के साथ आए यात्रा। हाँ। सख्त रहेगी। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। उम्मीद करता हूँ आप अगली बार फिर आएंगे और बाबा जी बुलाते रहेंगे आप लोगों को। थैंक यू सर। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। तो भाई देखो आज कितनी संगत है रश है अच्छा खासा। तो ओवरऑल आज का मौसम बढ़िया रहा संगतों का नंबर भी बढ़िया था। देखो अब जाने की तैयारी हो चुकी है लगभग 2 बजने वाले हैं तो अभी भी कुछ है बस कोहरा लग गया है बस इतना हो गया। तो भाई यहाँ पे भी लगभग जाने वाली है सारी संगतें है ना। तो आप लोग आए हैं लुधियाना से वहाँ से सिस्टर है मेरी जो मैं लास्ट ईयर भी आया था वहाँ से। तो कैसी रही यात्रा? बढ़िया रही। जो आप ब्लॉगिंग का काम करते हैं वो सबसे अच्छा है। थैंक यू। जो नहीं देख पाते वो दिखा देते हैं तो थैंक यू सो मच। हाँ तो बस बाकी बाबा जी आशीर्वाद रखे और आपकी यात्रा सफल रखे और आशीर्वाद। थैंक यू माता जी आप आए आपको देख के मोटिवेशन मिलता है सभी को है ना। तो देखो आंटी जी काफी एज है कितनी एज होगी आपकी?
65 एज, यहाँ तो 30 साल के ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आशीर्वाद रखे, ठीक है? अच्छे रहिए, थैंक यू थैंक यू आंटी। 1975 दे, अच्छा 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 1975, मतलब काफी एज है। और बहुत अच्छा लगा मिल करके, सुबह भी मिले थे और बहुत संगतें मिली आज, इतने कम संगतें होने के बावजूद भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, भगवान जी के दर्शन करना, पानी चढ़ाना, और साथ में मतलब बहुत पहले मुझे ये चीज़ मिल चुकी थी जो शिव भगवान को समर्पित जो डमरू बनाया हुआ है, पूरे सिल्वर का है, सिल्वर का है, और इसमें ओम भी बनाया हुआ है। तो आज से मैं इसको अपने हाथ में पहनूंगा, अपने हाथ में ग्रहण करूंगा, और जिन्होंने ये दिया उनका थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत अनमोल चीज़ है और बहुत हैप्पी हूँ मैं, थैंक यू सो मच। अब मैं हाथ में पहनूंगा, तो भाई अब आ चुका हूँ मैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पे आज बनी है चने की दाल और मिक्स दाल और चावल, और साथ में मैं मिर्ची भी खाने वाला हूँ। टाइम है और सच में इतनी गहरी नींद आ गई, इतना क्योंकि आज काम ज़्यादा हुआ, संगतें ज़्यादा थी, तो भाई नींद आना जायज था। और नींद खुलते ही देखा मौसम, बाहर पे बढ़िया मौसम है, कोहरा थोड़ा बहुत है, बाकी तो खुला खुला, देखिए ग्रीनरी आप चेक करिए भाई, ये देखिए कितना बढ़िया हो रखा सरोवर अभी। तो भाई ये देखिए मौसम, मौसम तो आजकल ऐसा हो रखा है भाई, ये पहाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी दिख रही है, बाकी नीचे कोहरा ही कोहरा। तो भाई आज कुछ ऐसा शाम का माहौल है श्री हेमकुंड साहिब का, और ये देखिए दरबार साहब, और अभी हम जाने वाले हैं दोस्तों, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे चरण पादुका दिखाइए, क्योंकि एक ही बार दिखा पाया जब से बर्फ़ पिघली है, तो अभी यहाँ से जाएंगे वहाँ पे और आपके चरण पादुका के दर्शन कराएंगे श्री लक्ष्मण भगवान के। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि यार इतना बड़ा पैर का निशान कैसे हो सकता, आधा जो हमारा शरीर है उस बराबर एक चरणों के निशान। तो भाई अलग अलग युगों में अलग अलग जितने भी इंसान जितने भी देवी देवता रहे हैं तो उनके हाइट में फ़र्क ज़रूर था, तो आज हम 5-6 फीट के रह गए होंगे, और उस टाइम 30-35 फीट के जो है हुआ करते देवी देवता इंसान कुछ भी कहिए, तो भाई तो चरणों के निशान भी बड़े होंगे, जाहिर सी बात है कि नहीं जी भैया। हाँ तो कुछ ऐसा है, तो वहीं पे जा रहे हैं, चलते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं हम वहाँ से यहाँ पे चरणों के निशान देखने, महान व्यक्तित्व के एक देवी देवता श्री लक्ष्मण भगवान जी के चरणों के निशान, ये देख कितना बड़ा, अगर मैं इसमें लेट जाऊँ ना तो मतलब आधा शरीर कवर हो जाएगा, आधे से ज़्यादा। तो इसमें देखिए इसको साफ़ करना पड़ेगा, इस पत्थर को एक दिन करेंगे जिस दिन मौका मिलेगा धूप रह के आराम से इसको, ताकि और अच्छे से दिखे ये डार, क्योंकि पत्थर में ना थोड़ी काई जम जाती है, तो कुछ ऐसा है। और एक और चीज़ स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, जो हमारे लक्ष्मण भगवान की जो एक मूर्ति है जिसको हम देखते हैं
शेषनाग के रूप में जो पहली मूर्ति है, तीन दो मूर्तियां हैं लक्ष्मण भगवान की, एक पहली शेषनाग के रूप में, एक दूसरी लक्ष्मण भगवान के, तीसरी माता दुर्गा जी का रूप है। तो उसमें क्या है कि ना, जो मूर्ति हमें मिली थी बहुत सालों पहले, बहुत 5, 7, 8, 100, 1000 सालों पहले, तो वो ना इसी सरोवर पे मिला करती थी, तो इसी सरोवर पे मिली थी, तो उसी के पास जो है मंदिर का निर्माण कराया गया था। पहले तो बड़ा छोटा था, बहुत सालों पहले तक तो बहुत छोटा मंदिर था, तो ऐसे लोकल लोग आते थे किसी त्यौहार में, श्रावण मास में, सावन मास में, अलग अलग दिनों जो है रक्षाबंधन और जो भी छोटे मोटे त्यौहार थे उस टाइम पे आया करते थे। तो जो मूर्तियाँ स्थापित वहीं पे है, तो मंदिर वहीं पे बनाया गया है, उसको हम कहीं और जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता कि मे भी जो है लक्ष्मण भगवान जी ने वहीं पे, जहाँ पे मंदिर है उसी के आसपास तपस्या करी थी, तो उनके जो चरणों के निशान भी है, चरण पादुका, वो यहाँ पे भी दिख जाते हैं। तो इसलिए मतलब जो प्रूफ हो जाता है हर चीज़, मूर्ति मिलना, पैरों के निशान दिखना और मंदिर, तो इसलिए वहीं पे बनाया गया है। ये देखिए चरणों के निशान। अब फिलहाल और आगे चलते हैं ऐसे ही खूबसूरत वादी को देखने के लिए, क्योंकि कल हम जब गए थे ना काफ़ी ऊपर, वहाँ तो पता है आपको कोहरा ही कोहरा लग गया था, लेकिन आज मौसम अभी तक साथ दे रहा है, कोहरा नहीं है। तो थोड़ा आगे जा कर के आपको व्यू चेक कराएंगे श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के, देखिए। लेकिन अभी फिर से कोहरा आने स्टार्ट हो चुका है। इनकी छाया देखिए, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है और ऊपर फोटो, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है, दो दो इंसान होंगे, चार चार। अजय, ये तपोस्थली है ना दोस्तों, उत्तराखंड की हर जगह में तपोस्थली में, ऐसा नहीं है कि एक दो महान आत्माओं ने तप किया होगा, यहाँ पे इसी जगह पे कहा जाता है कि अनेकों ऋषि मुनियों में अलग अलग युगों में तपस्या करी थी। तो इसका मतलब इस संदर्भ में हम देखते हैं कि जो इत्र है बहुत मान्यता है इस जगह की। तो भाई देखिए, जो ये पानी आ रहा है ये काफ़ी ऊपर से आ रहा है, ये देखिए, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा देखेंगे आप श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल मंदिर का, कुछ ऐसा यहाँ से लोकेशन जो गुरुद्वारा साहब मंदिर का है ऐसा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा है। देखिए जूम करके मैं दिखाऊँ ना, तो क्रिस्टल क्लियर वाटर में आपको जो प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है दरबार साहब का और मंदिर का, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, देखते कोहरा भी आ चुका है, अब वीडियो नहीं बनेगी अच्छी, बट कोई बात नहीं, कोहरा भी बड़ा प्यारा लगता है। यहाँ पे देखिए मंदिर भी बना दिया है सजी भाई ने, फूल लगा करके, वाह यार। शिवलिंग, शिवलिंग कहाँ है? अच्छा, शिवलिंग ऊपर से बनाते मंदिर अंदर, अंदर भगवान। अच्छा, अंदर भगवान भी बना रखा है, वाह यार बहुत बढ़िया बना रखा है। इतनी कलाकारी कहाँ से सीखी? तुझे तो ताजमहल बनाना चाहिए था, ताजमहल बनाने का मौका मिले। मैं मजाक कर रहा है, तो इतना खुश हो जा रहा कुल। तो भाई ऐसा है मौसम, ये देखिए। तो आज हम गुरुद्वारा साहब में ही खाने वाले हैं खाना, डिनर, चाय तो पीता ही था, डिनर भी कर रहा हूँ मैं हर बार करता हूँ, मोस्टली टाइम कभी दुकान पे कभी यहाँ पे, जैसा मन हो। आज सजी भाई का बनाने का मन नहीं था, बोला थकान लग रही, थोड़ा वीकनेस आ रही है, बुखार आ रहा, पता नहीं क्या, तो हम गुरुद्वारा साहब में खा रहे हैं। भाई एक मेरा दोस्त है जो कि अभी मनाली में रहता है, काफ़ी सिचुएशन उसकी गड़बड़ हो गई है, वहाँ बिजनेस करता था, शॉप किराए पे लेकर के काम कर रहा था, लेकिन किस्मत में ऐसा मंजूर था नहीं और उसका काम मतलब बहुत स्लो चल रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल वो ब्लॉग का भी शुरुआत कर रहा है कि भाई उससे अगर कुछ हो पाए तो अच्छी बात है। तो उसका UK07HB ब्लॉग HB4 ब्लॉग्स करके उसका चैनल है, तो जाके जरूर सब्सक्राइब करें। छोटी सी तो दोस्तों यहाँ पे देखे खाना खाने के बाद खाना पचा रहे हैं, ये रोज रोज विक्रम बेताल बन जा रहे हैं, ये देख। तो फिलहाल अब पहुंच चुके हैं बिस्तर में, खाना वाना खा के, कोहरा लगा था तो रात का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, थोड़ा फोटो खींचनी थी पर दिख नहीं रहा था। फिलहाल दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंद देवी, जय हनुमान जी, जय लोकपाल महाराज की।